कोइंदी गांव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार। चैनपुर थाना क्षेत्र के कोइंदी गांव में हुए एक व्यक्ति की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले पर प्रेस वार्ता करते हुए भभुआ एसडीपीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मृतक कमलेश सिंह के पत्नी के द्वारा चैनपुर थाने में 16 मार्च 2023 को पति के लापता होने का आवेदन दिया गया था, जिस पर एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। इस बीच 23 मार्च 2023 को कोइंदी गांव से 300 मीटर पूर्व एक कुआं से कमलेश सिंह का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना पर कोइंदी गांव निवासी दो व्यक्ति राम बच्चन राम एवं महेश सिंह उर्फ चीटी सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ में पता चला कि मृतक कमलेश के द्वारा 12 या 13 साल पहले राम बच्चन सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिस पर केस भी की गई थी। वहीं दूसरा गिरफ्तार आरोपी महेश सिंह उर्फ चीटी सिंह ने बताया कि मृतक कमलेश सिंह के द्वारा मेरी पत्नी और बहन के साथ बेवजह गाली गलौज एवं छेड़खानी किया जा रहा था एवं एक नाली बंदूक मेरे घर में रख दिया गया था, जिसके अगले ही दिन पुलिस ने मुझे शराब मामले में गिरफ्तार कर लिया और एक नाली बंदूक को मेरे घर से बरामद कर जब्त कर दिया था, जिसे लेकर कमलेश सिंह के द्वारा मेरे साथ मारपीट एवं गाली गलौज की जा रही थी। इसके साथ ही एक नाली बंदूक वापस मांगा जा रहा था। इन्हीं सब कारणों से तंग आकर 16 मार्च 2023 को जब कमलेश सिंह गांव के पूरब पीपल के पेड़ के पास रात्रि में सोया हुआ था, तभी रात्रि का फायदा उठाकर हम दोनों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पास के कुएं में ले जाकर फेंक दिया था। इन दोनों के स्वीकारोपित बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। कोइंदी गांव में जो दिनांक 23 तारीख को कुएं से जो लाश बरामद हुई थी, तो उसी घटना का जांच किया गया। जांच में घटना का उद्भेदन हुआ है, कांड का उद्भेदन हुआ है उसमें, और उसी की वजह से क्या उद्भेदन हुआ है सर कि जो मृतक थे कमलेश कुमार सिंह, उनको मारने वाले जो दोनों लोग हैं, उन दोनों लोग पकड़े गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। घटना कारण क्या? घटना का कारण पुरानी रंजिश थी। जो इसमें एक अभियुक्त हैं राम बेचन राम, उनको 12 साल पहले गोली मार दिए थे। ये अपना मजदूरी वगैरह किए थे, मजदूरी मांगने गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और झगड़ा हुआ था, उसी में उनको गोली मार दिए थे। केस हुआ था लेकिन उसका उनको उनके हिसाब से न्याय नहीं मिला, तो बदला लेने के फिराक में थे। और कमलेश सिंह के बारे में भी जो हम लोगों ने पता लगाया और कि वो भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी थे, लोगों को तंग तबाह किए रहते थे गांव में और किसी के बहन बेटी को छेड़ते रहते थे, इस तरह का उनके ऊपर विवाद था। दूसरे जो इसमें अभियुक्त हैं उनके साथ भी इस तरह का घटना हुआ था कि उनके बहन के साथ और उनकी पत्नी के साथ अश्लील हरकत किए थे, तो वो भी बदला लेने के फिराक में थे। और उस दिन उन लोगों को मौका मिला 16 तारीख को और ये लोग मार के उनको डाल दिए थे। जितने लोग सात बरस पहले से हम गए थे उसका काम करने में, तीन आदमी मिलकर तब बिना काम किए, मजदूरी मांगने खातिर गए थे। तो घर पर उनके गए तो बोला कि तेरी मैया के चलो, तेरी बेटी के चलो, हमारा पैसा हस्ती हो गया कि हमारे दरवाजे पर बंदी मांगने आया, तो लाठी लेकर दौड़ा पर रहे, भाग चले, अपने घर पर भाग गए। तो बोला कि तेरी मैया के चलो, गाली मत दीजिए, ऐसे बोलिए ना कि गाली देता था बस, ऐसे गाली दे के बोले कि फल गोली मारे जी। अच्छा, बिहार पहले हम दुर्गा साहब के दुकान पर जाकर थे, 5 किलो खाद ले आवत रहे, लेके आवत रहे, और बगल में थोड़ी आन वाली गली है, वही गली में झुमका लगा रखा है और सुनवावत रहे, मार देना पड़ा है, गोली मार दिया, गोली सर भी मारे। अच्छा ठीक, फिर क्या हुआ? थाना पर आई लिया, थाना जो पटेलर बनारस। कितना दिन पहले का मामला है जब आपको गोली मारा था? साल के करीब होगा, 2010। तो उसके बाद क्या हुआ? बनारस गए, जब बनारस घुस घर दे के कला के तो यहाँ पर हम आए। कैमो न्यूज़ के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट।
खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।